हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सविता और आप देख रहे हैं सविताज क्रिएटिविटी एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, मैं और मेरी बेटी दोनों गए थे संबलपुर कुछ दिन पहले, दिसंबर लास्ट वीक में। और वहाँ मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड के घर में हम रुके थे। वहाँ हम 4-5 दिन रुके थे। मेरा फूल देख लेते हैं, देखिए मेरे क्रिसैंथेमम इतने अच्छे से ब्लूम हुए हैं। बारिश हुआ था तो इसका सब झुक गया है सब फूल। और मेरी गोल्ड को देखिए, आने के बाद लगाई थी। और मेरा रोज गार्डन को देखिए दोस्तों, कितने सुंदर फूल हैं। इतना खिलता है दोस्तों रोज, मैं रोज गुलाब से ही पूजा करती हूँ। इसका कलियां सब देखिए, ये पिंक कलर का है, ये देसी वाला है, ये भी देसी, सब देसी वाला है। ये इंग्लिश रोज तो सब खत्म हो गया था, बाकी जो बचा है ये अभी ग्रोथ होना और कलियां फूल सब खिल रहा है। तो दोस्तों चलिए, मेरे दो फ्रेंड को भी मिलाती हूँ और भाग्यश्री की गार्डन भी दिखाती हूँ कि गार्डन में क्या क्या फूल, क्या क्या प्लांट्स हम कलेक्ट किए थे उसको देखते हैं। हेलो, हाय हाय। ये मेरे दोनों फ्रेंड है, दोनों संबलपुर की मेरे बेस्ट फ्रेंड है और गार्डनिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए, ये दोनों जगन्नाथ कॉलोनी में रहते हैं, संबलपुर की हैं। और दोनों में से एक का नाम है भाग्यश्री गुरु और दूसरे की है विजय लक्ष्मी महापात्र। दोनों ही जगन्नाथ कॉलोनी में रहते हैं दोस्तों। और भाग्यश्री गुरु ज्वेलरी भी बनाते हैं, हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनसे कॉन्टेक्ट करके आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। तो उनकी नंबर भी मैं दे दूंगी, आप चाहें तो संबलपुर में जो भी रहते हैं उनके पास से ज्वेलरी ऑर्डर करके ले सकते हैं। ये है दोस्तों मेरी बेस्ट फ्रेंड भाग्यश्री गुरु, मिलिए इनके साथ। हाय हाय फ्रेंड्स। तो इनकी भी एक छोटी सी गार्डन है। ये जब भुवनेश्वर में थे उनके बेटे की पढ़ाई के लिए वो गए थे और हम दोनों वहाँ बेस्ट फ्रेंड बन गए। नर्सरी बहुत सारे नर्सरी हमेशा घूमते थे, प्लांट सब कलेक्ट करते थे। बेटा का जब पढ़ाई खत्म हो गया वो संबलपुर चले आए। संबलपुर आने के बाद उनके टेरेस पर एक बहुत सुंदर गार्डन बनाए हैं और वो गार्डन वो कैसे बनाए हैं ये आपको भाग्यश्री ही बोलेंगे। तो बोलिए भाग्यश्री। हाय फ्रेंड्स, मैं सविता से ही मेरे इंस्पिरेशन जगह गार्डन बनाने के लिए। उनकी तो बहुत पहले से ही पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव था। फिर उधर जाके मैं उनके साथ मिली तो मेरे को भी वही मेरे को भी लगा कि मैं भी बना सकती हूँ। तो उनके साथ हम लोग भुवनेश्वर में जितना भी नर्सरी था सब हम दोनों घूम चुके हैं और वहीं से बहुत सारे कलेक्ट किए। फिर आके मैं मेरे उनके जो बताते थे वही हिसाब से मैं बनाती गई। मेरा भी गार्डन अभी मेरे पास 500 से ज्यादा गमले हो गए, पॉट्स भी है ना बहुत सारे। वही और सब अभी जब मैं संबलपुर आई हूँ देखती हूँ तो वो यादें इतना अच्छा लगता है, वो मोमेंट और नहीं आएगा दोस्तों। वो जो मोमेंट वो आने के बाद मैं एक भी बार नर्सरी नहीं जा पाती हूँ। मिलके हम दोनों बहुत एंजॉय किए हैं भुवनेश्वर में। अभी 2 साल बाद ही इधर संबलपुर आके मेरा गार्डन देख के वो भी बहुत खुश हो गए कि उनका भी जो मेरे को दिए थे कि मैं उसको आज तक मैं रख पाई हूँ। हाँ। और अभी भी करती हूँ। थैंक यू। ये देखिए, ये मेरी और एक फ्रेंड विजय लक्ष्मी महापात्र। हम बुरला में एक साथ क्वार्टर्स में, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे कॉलोनी में, और वहाँ भी छोटी सी गार्डन थी और वो गार्डन में मैं हमेशा काम करके बहुत सारे पौधे सब, फ्लावरिंग भी होता था, फ्रूट्स भी होता था, बहुत सारे होता था।
सब घूमने आते थे। और कॉलोनी में जितने भी फ्रेंड्स थे इसमें से ये विजय लक्ष्मी महापात्रा मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ मिलके हम चारों तरफ घूमने जाते थे। सोशल वर्क करते थे हम। हाँ, सोशल वर्क भी करते थे मिलके, बहुत अच्छा लगता था। बुरला में हम एक साथ रहते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ सोशल वर्क करते थे, बहुत मजा आता था। हाँ ना। हाँ। विजय लक्ष्मी की भी एक बेटा और एक बेटी है। तो दोस्तों इनका गार्डन चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए व्हाइट कलर का क्रिसेंथेमम और पिंक कलर का डेंथस, और ये क्रिसेंथेमम का कलर देखिए कितना सुंदर दिखता है। ये रेड कलर का डेंथस, और ये है ये गोल्डन कलर का डबल पेटल का क्रिसेंथेमम, ये व्हाइट कलर का है, कितने अच्छे से ब्लूम हुए हैं। बहुत सारे कलेक्शन क्रिसेंथेमम की है। ये एक देसी वैरायटी है, और ये सदाबहार प्लांट्स को देखिए कितने सारे फूल खिला है। इसका नाम है फ्लैट बीन्स, और हिंदी में उसको सीम बोलते हैं। और ये ऊपर नहीं चढ़ता है दोस्तों, ये ऐसे ही बूसी होके फ्रूट देता है। और ये देखिए कितने सारे क्रिसेंथेमम खिला नहीं है, अभी जस्ट कलियां है। और ये सारे बोगनविला, और ये मेरीगोल्ड है, और ये जारबेरा, ये सब हम दोनों ही खरीदे थे, सब कलेक्ट किए थे नर्सरी से। और ये तो लोकल नर्सरी से वो ला के लगाए हैं, कितना बड़ा बड़ा मेरीगोल्ड देखिए। ये जाफरी वैरायटी है, येलो कलर का और ऑरेंज कलर का है। ये सबसे ऊपर टेरेस गार्डन है, एक छोटा सा गार्डन है, फिर नीचे और एक टेरेस है, उसमें और भी बहुत सारे कलेक्शन है, आगे देखेंगे। ये सारे अलामेंडा, हिबिस्कस, बहुत सारे प्लांट्स दोस्तों। ये देखिए अभी हम नीचे आ गए हैं, नीचे रोज का कलेक्शन है ऑरेंज कलर का, कितना बड़ा फूल खिला है। ये हिबिस्कस है, यहाँ सब रोज का कलेक्शन है दोस्तों। ये रेड कलर का है, और ये आर्केरिया की प्लांट, ये इस लाइन पे सारे हिबिस्कस, जूही, चमेली, टगर, ये जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं दोस्तों छोटे छोटे थे, अभी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ये एक चीकू का प्लांट देखिए, छोटा सा था लेकिन कितना बड़ा हो गया है। और इस साइड पे देखिए ये हाइब्रिड वाला पैशन फ्लावर है, बहुत सुंदर फूल खिलता है इसमें, राखी की बेल भी बोलते हैं उसको। ये एक अलग वैरायटी का स्नेक प्लांट, और इस साइड पे देखिए दोस्तों सारे इफोर्बिया मिली का कलेक्शन, छोटे बड़े, व्हाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, सभी वैरायटी इनके पास है। इस स्नेक प्लांट का कलर देखिए कितना सुंदर दिखता है। और
और ये सब क्रोटन्स। कितना बूसी है देखिए, गोल्डन डस्ट क्रोटन बोलते हैं इसको। और ये एक वैरायटी देखिए, मल्टी कलर का है, ये रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, अच्छा दिखता है ये क्रोटन्स, बहुत सुंदर दिखता है। ये रबर प्लांट है, ये भी एक क्रोटन्स का वैरायटी है। और इस साइड में देखिए ये कालाथिया, और ये स्पाइडर प्लांट, फर्न, वेलवेट फर्न। और ये चाइनीज एग्लोनिमा, ये फिलोडेंड्रॉन, इस साइड पे मेरीगोल्ड, देसी मेरीगोल्ड, ये रियो प्लांट है। ये मनी प्लांट का एक वैरायटी है। इतना ही है दोस्तों उनके गार्डन में। दो टेरेस है, दो टेरेस में पूरा फुल प्लांट्स ही प्लांट्स है, और इनका केयर दोनों वाइफ हस्बैंड ही करते हैं, कोई माली भी नहीं रखे हैं, खुद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्डनिंग करें, खुश रहें। बाय।